गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आ गए। आप सब बीएससी थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी में आपके सिलेबस का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या है और एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो एनाटॉमी, सबसे पहले हम एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी क्या होता है, किसमें पढ़ रहे हैं? बॉटनी में। तो एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी जो किसके साथ डील करती है? प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डील करते हैं। प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? एनाटॉमी किसकी पढ़ेंगे? फ्लावर की, शूट की, लीफ की, रूट की। लीफ कैसी है, रूट कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है लीफ का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है रूट का, स्टेम का, लीफ का, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जिसमें स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस ब्रांच ऑफ बॉटनी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? एल ग्रू। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी कौन है? के ए चौधरी। आपके यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए हमें कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। ये टिश्यू कैसे होता है? या तो सिमिलर होंगे या फिर डिसिमिलर होंगे। किसमें? शेप में, आकृति में या तो समान होंगे या फिर क्या होंगे? असमान। लेकिन इनका ओरिजन और फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम। याद रखना, टिश्यू की डेफिनेशन में ओरिजन और फंक्शन सेम होगा लेकिन शेप में ये क्या हो सकते हैं? अलग अलग। ठीक है, टिश्यू टर्म किसने दी थी? नगेली। टिश्यू टर्म भी नगेली है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी एक ब्रांच है बॉटनी की जो किसके साथ डील करती है? प्लांट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के ए चौधरी। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर और डिसिमिलर होती है शेप में लेकिन ओरिजन एंड फंक्शन में क्या होती है? सेम। और टर्म किसने दी? नगेली। टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिश्यू को क्लासिफाई भी किया गया है। टिश्यू को क्लासिफाई किया किसने? कार्ल नगेली। ठीक है, कार्ल नगेली ने टिश्यू टर्म दी थी और फिर इस टिश्यू को क्या किया? डिवाइड किया। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिवीजन के बेसिस पर टिश्यू को दो क्लासेस में डिवाइड किया। टिश्यू में इस ऊतक, ठीक है, इनको दो क्लासेस में क्या किया? डिवाइड किया, विभाजित किया। एक होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? विभुज्य ऊतक। क्या बोलते हैं? विभुज्य ऊतक। और परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं स्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? स्थायी ऊतक। मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो क्लासेस हैं जिसमें आपने टिश्यू को डिवाइड किया। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिवीजन। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? क्या ऐसी टिश्यू जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक बार डिवाइड होने के बाद क्या हो जाए? रुक जाए। उन्हें होते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस, दस से बारह, बारह से चौदह, चौदह से सोलह, सोलह से अठारह, अठारह से बीस, बीस सेल्स बन गई। तो एक से दो, दो से चार जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है उन्हें तो क्या बोल दिया? मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और बीस के बनने के बाद वो अब अगेन डिवाइड नहीं हो रही है उन्हें क्या बोलेंगे हम? परमानेंट टिश्यू। इन मेरिस्टमैटिक टिश्यू को भी दो क्लासेस में बेसिस ऑफ दो दो बेसिस के बेसिस दो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड लोकेशन के बेसिस पर क्लासेस में डिवाइड किया है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इनको डिवाइड किया है किसके बेसिस पर? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओरिजिन डेवलपमेंट मतलब जो पहले डेवलप होगा उसको बोलेंगे प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम के बाद क्या डेवलप होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद डेवलप होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। लोकेशन मतलब कहाँ पे वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है उसके बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरजेलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। नाम से समझ में आ रहा होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब जो कहाँ पे हो? अपेक्स। अपेक्स मीन्स चोटी, चोटी मतलब सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं अपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम। किसके ऊपर प्रेजेंट हो? या तो रूट के ऊपर हो या फिर किसके ऊपर हो? लीफ के ऊपर हो, उन्हें क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मतलब इंटर मींस किसी ना किसी के बीच में हो,
क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो परमानेंट टिश्यू है उनके बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और तीसरे होते हैं लेटर मेरिस्टम। लेटर मेरिस्टम वो मेरिस्टम जो कहाँ पे प्रेजेंट हो, साइड में प्रेजेंट हो, उन्हें बोलते हैं लेटर मेरिस्टम। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू को ऑरिजन एंड डेवलपमेंट और लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ऑरिजन डेवलपमेंट के बेसिस पर प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, एंड लोकेशन के बेसिस पर एपिकल, इंटरकैलरी और लेटर मेरिस्टम। इसी तरह परमानेंट टिश्यू को भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू एंड सेकेंड इज कंपाउंड टिश्यू। नाम से समझ में आ रहा है टिश्यू है, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। यदि एक ही तरह की सेल्स प्रेजेंट हो, यदि एक टिश्यू में एक ही टाइप की सेल प्रेजेंट हो तो उन्हें तो क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू, उन्हें बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और यदि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट हो तो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, यदि वो सेम काइंड की होंगी तो उन्हें बोलेंगे सिंपल टिश्यू, और यदि वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी तो उन्हें बोलेंगे कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया है, एक तो होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस मतलब अधिचर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं अधि त्वचा या फिर अधिचर्म। और दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू जिसे बोलते हैं भरण ऊतक। क्या बोलते हैं, भरण ऊतक। एपिडर्मिस जो नाम, जब भी आप कभी भी प्लांट की स्ट्रक्चर देखते हो, चाहे तो वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, तो सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। मतलब जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि लीफ को, स्टेम को या रूट को, वो क्या होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस किस टाइप की टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट भी कैसी, परमानेंट सिंपल टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, जो क्या करता है, भरण ऊतक। नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, फिलिंग का काम करेगा, किसी चीज को भरने का काम करेगा। ठीक है, कंपाउंड टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू को भी दो क्लासेस में डिवाइड किया है, जाइलम एंड फ्लोएम। नाम से जाइलम सबको पता है, जाइलम क्या हो, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू मतलब संवहनी ऊतक, मतलब पानी और भोजन दोनों को रूट से स्टेम तक पानी का होगा, जमीन के अंदर रूट में। ठीक है, अब रूट से पूरे प्लांट को पानी पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम। कौन करेगा, जाइलम। और फूड कहाँ बनता है, फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है लीफ में। लीफ में जब फूड बनेगा, अब लीफ से वो फूड कहाँ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के पार्ट में, जैसे स्टेम में भी जाएगा, रूट में जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भी जाएगा। तो उसको फूड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और इस जाइलम एंड फ्लोएम में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन से होता है, कंपाउंड टिश्यू। एपिडर्मिस टिश्यू कहाँ होता है, बाहर की तरफ। और सेंट्रल में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जाइलम एंड फ्लोएम और एपिडर्मल टिश्यू के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो हमें समझ में आ रहा है कि टिश्यू को दो क्लासेस में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऑरिजन डेवलपमेंट के बेसिस पर तीन क्लासेस में डिवाइड किया, प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से तीन क्लासेस में डिवाइड किया, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू को दो क्लासेस में डिवाइड किया, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू को दो क्लासेस में डिवाइड किया, जाइलम एंड फ्लोएम में। एंड सिंपल टिश्यू को दो में, ग्राउंड टिश्यू एंड एपिडर्मिस टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब होता है मृदु ऊतक। क्या होता है, मृदु ऊतक। ठीक है, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा का मतलब होता है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, और स्केलेन्काइमा का मतलब होता है दृढ़ ऊतक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सॉफ्ट टिश्यू होगा, जो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कोमल टिश्यू होगा, उसका नाम क्या होता है, पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक। जो क्या करेगा, स्थूल कोण ऊतक, जो क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, वो कौन से होते हैं, स्थूल कोण ऊतक। और जो क्या होंगे, दृढ़, दृढ़ मतलब रिजिडिटी, जो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करता है, वो कौन से होते हैं, स्केलेन्काइमा। इन सबको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेस्टमेटिक टिश्यू, टिश्यू के बारे में अभी अभी मैंने बताया कि दो क्लासेस में डिवाइड किया था, मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते क्या है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू टर्म दी थी किसने? नगेली। मेरिस्टमैटिक टिश्यू टर्म दी नगेली ने, ठीक है। अब ये थी कुछ बातें हमें मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में पता होनी चाहिए। वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू सबसे पहले ये कैसे होते हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। यदि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होगी कोई सेल, यदि कोई सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है, एक से दो बना रही है, दो से चार बना रही है, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, यदि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होगी तो वो सेल्स क्या मेच्योर हो पाएंगी क्या? जैसे ही वो मेच्योर होने पर लगेगी उससे पहले वो क्या हो जाएंगी? डिवाइड। फिर मेच्योर, उससे पहले डिवाइड, मेच्योर होनी ही है उससे पहले वो क्या हो जाती है? डिवाइड। ऐसे इनको क्या बोलते हैं? इमेच्योर सेल्स। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? केवल प्राइमरी वॉल। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसी बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। इनके सबसे जो बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। क्या इस वॉल के, इस प्राइमरी वॉल के अलावा आपको कोई वॉल दिख रही है क्या? नहीं ना। तो इसमें केवल क्या, केवल और केवल कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल सेल्यूलोज से। प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्यूलोज से। प्राइमरी वॉल के अलावा इसमें कोई दूसरी वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल इसमें क्या होती है? एब्सेंट। इनके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरिस्टमैटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म किस टाइप का होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है? न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? बिल्कुल बीच में, और केंद्रक का साइज क्या होता है? बड़ा। तो लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। क्या साइटोप्लाज्म के अलावा इसमें कोई वैक्यूल्स दिख रही है, कोई रिक्तिका दिख रही है? नहीं। तो ये वैक्यूल्स क्या होती है? एब्सेंट। इसके अलावा एक और बात कि ये सेल्स क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली डिवाइड। जब कोई चीज कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है तो वो कैसी होती है? हाईली एक्टिव। इनमें किसी टाइप का प्लास्टिड एब्सेंट होता है, किसी टाइप का लवक प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए मैंने एक चीज और लिखी है यहाँ पे कि ये प्लास्टिड क्या होता है? एब्सेंट। और ये कैसी होती है? हाईली कॉम्पैक्ट। एक सेल दूसरी सेल से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होती है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। यदि एक सेल है फिर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आपस में बहुत ज्यादा कनेक्ट, कॉम्पैक्टली अरेंज है, इससे इनको क्या बोल दिया? हाईली कॉम्पैक्ट है। अब यदि ये हाईली कॉम्पैक्ट होंगी तो इनके बीच में क्या आपको कोई स्पेस दिख रहा है क्या? तो मैं इसको बोल सकती हूँ क्या? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ये सबसे पहले ये कैसी होती है? हाईली डिवाइडिंग, इमेच्योर होती है। प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, और प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस। न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज। वैक्यूल्स एब्सेंट। डिवाइडिंग है, कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है, इसलिए कैसे होते हैं? हाईली एक्टिव। प्लास्टिक क्या होता है? एब्सेंट। और ये कैसे होते हैं? हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है इनमें? एब्सेंट। उसके बाद मैंने अभी बताया था, वैसे तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अच्छा एक और बात बतानी है यहाँ पे मुझे, ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू में ये जो मेरिस्टमैटिक वर्ड है ये किससे लेकर लिया गया है? ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से, जिसका मतलब ही क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का मतलब विभाजन। कंटिन्यूअसली जो क्या हो, लगातार विभाजित हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टमैटिक वर्ड, ये जो टर्म है, वो किसने दी थी? नगेली ने। इतनी बात समझ में आने के बाद मेरिस्टमैटिक टिश्यू को नगेली ने ही दो क्लास, मतलब किसके बेसिस पर? एक तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर और एक लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या किया? डिवाइड किया। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। और लोकेशन के बेसिस पर इसको कहा एपिकल, इंटरपेलरी और लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, यदि मैं बात करूं प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये सबसे ऊपर मैंने बताया एपिकल मेरिस्टेम, केवल अभी नाम देखो, एपिकल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी और ये है लैटरल। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही किसका पार्ट होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। और लैटरल मेरिस्टेम किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का।
तो ये सब बातें आपको सिंपल सी बातें हैं जो आपको मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टमैटिक टिश्यू का डिवीजन, किसके बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर और डेवलपमेंट, मतलब कहाँ से मेरिस्टमैटिक टिश्यू उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, डेवलप कहाँ से हो रहा है, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, उसके बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम जो सबसे पहले, ऐसा मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ऐसा टिश्यू, ऐसा ऊतक जो सबसे पहले डेवलप होता हो उसे बोलेंगे प्रो मेरिस्टेम। कब डेवलप होगा, इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज मतलब जब प्लांट कैसा हो, एम्ब्रियो स्टेज में हो, जब प्लांट कैसा हो एम्ब्रियो स्टेज में होगा, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, ये प्रो मेरिस्टेम से क्या डेवलप होता है, प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और इसका एग्जांपल क्या है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, मतलब भ्रूणीय अवस्था में जो भ्रूणीय अवस्था में कोशिकाओं में जो टिश्यू जो ऊतक प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रो मेरिस्टेम। सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होगा, प्रो मेरिस्टेम से। पहली बात, प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होगा, प्रो मेरिस्टेम से। कब डेवलप होगा, जब प्लांट क्या हो, एम्ब्रियो स्टेज से प्लांट क्या हुआ हो, ग्रो हुआ हो, ग्रो हुआ हो मतलब जब वो यंग हो, यंग मतलब बिल्कुल नया हो, मतलब बिल्कुल एक जुवेनाइल प्लांट, मतलब अभी अभी उसने ग्रो किया ही है, एनवायरमेंट में आया ही है, ग्रीन कलर का प्लांट हो, बहुत ज्यादा ग्रीन हो, बहुत ज्यादा नया हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, ऐसे प्लांट्स में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि लोकेशन के बेसिस पर भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू को डिवाइड किया है। तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में कौन सा टिश्यू होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इस प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या डेवलप होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किससे, सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से। ये कब डेवलप होगा, जब प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप हो चुका होगा उसके बाद जो डेवलप होंगे टिश्यू उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से, प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से तो क्या होती है, लेंथ इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, मतलब एक प्लांट छोटा है वो लंबाई में बढ़ रहा है तो वो किसके कारण बढ़ेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम के कारण। लेकिन यदि एक प्लांट लंबाई में बढ़ गया लेकिन चौड़ाई में बढ़ रहा है, गर्थ में, विड्थ में इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस में इंक्रीज हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण। ठीक है, एक प्लांट देखा होगा, प्लांट के चारों तरफ क्या पाई जाती है, छाल, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क। कॉर्क के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्क कैम्बियम, या फिर हम बोलते हैं कार्ब एधा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ब एधा। तो डाइकोट प्लांट या हो, डाइकोट प्लांट के स्टेम एंड रूट में जो कॉर्क कैम्बियम, जिसके कारण क्या डेवलप होती है, छाल डेवलप होती है, वो किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का। दूसरा, मैंने तुम्हें अभी परमानेंट टिश्यू में एक चीज बताई थी, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम में जो जाइलम एंड फ्लोएम में जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो किसका पार्ट होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का, और ये क्या करते हैं, थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बाद जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट है लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू का डिवीजन। तो इतना समझ में आया होगा कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम सबसे पहले डेवलप होगा, उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप होगा, उसके बाद कौन डेवलप होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम किसमें प्रेजेंट होगा, एपिकल और इंटरकैलरी में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, लेटरल मेरिस्टेम में, कहाँ, लेटरल। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, लेंथ इंक्रीज करने का काम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, विड्थ इंक्रीज करने का काम करेगा। लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को तीन क्लासेस में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज इंटरकैलरी एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेम। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू को दो तीन क्लासेस में डिवाइड किया था, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी क्या कहे, प्राइमरी मेरिस्टेम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो पार्ट है वो कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहां पे, नाम से समझ में आ रहा होगा, एपिकल मेरिस्टेम मींस अपेक्स पर, वो टिश्यू जो कहां पे प्रेजेंट हो, अपेक्स पर, उसे क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। इस डायग्राम में दिख रहा होगा ये शिशु कहां पे प्रेजेंट है, यहां पे ये सेल्स प्रेजेंट है, इनको क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किसका
एग्जांपल है प्राइमरी मेरिस्टेम का, कहां पे प्रेजेंट होगा, चाहे तो वो रूट हो चाहे तो शूट हो, उनकी टिप पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी किसका पार्ट होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट होता है। ये क्या बनाता है, क्या बनाएगा, ये भी लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये किस किस में कहां प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा नोड, इंटर नोड और लीफ के बेसिस पे प्रेजेंट होगा। नोड के बेस पे प्रेजेंट होगा तो उसका एग्जांपल है मिड, इंटर नोड के बेस पे प्रेजेंट होगा तो उसका एग्जांपल है मोनोकोट। मोनोकोट्स में भी क्या, ग्रासेस और बैम्बूस। कल मैंने बताया था जिनकी लीव्स कैसी हो, लंबी होती है वो कौन से होते हैं, मोनोकोट। और जिनकी लीफ चौड़ी होती है वो कौन से होता है, डाइकोट। ये सिंपल सा देखकर मॉर्फोलॉजी देखकर पहचान पाए कि ये मोनोकोट है और ये क्या है, डाइकोट। और जो लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होगा उसका एग्जांपल क्या है, पाइन्स, ठीक है। उसके बाद एक और होता है, वो तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट होगा, लैटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, थिकनेस, ठीक है। तो एपिकल, अब इस डायग्राम में देखो अपेक्स पर कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। साइड में जिससे ब्रांचेस निकल रही है, बेस पर नोड के इंटर नोड के बेस पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलरी। और साइड में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो कौन सा है, लैटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो क्या करता है, लेंथ इंक्रीज करने का काम करता है, और लैटरल मेरिस्टेम क्या काम करता है, वेट को इंक्रीज करने का काम करता है। ये तीनों मेरिस्टेम, अब मैंने आपको बता दिया कि अब मैंने पहले आपको मेरिस्टेम की कैरेक्टरिस्टिक बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई किया दो क्लासेस में, एक तो ओरिजिन के बेसिस पर और दूसरा इसके बेसिस पर लोकेशन के बेसिस पर। ओरिजिन के बेसिस पर कितनी क्लासेस में, तीन क्लासेस में। कौन कौन सी थी वो तीन क्लासेस, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। और लोकेशन के बेसिस पर किस क्लासेस में, एपिकल और इंटरकैलरी एंड लैटरल, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परमानेंट पेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो मैं आपको कब पढ़ाऊंगी, कल, ठीक है। तो आज की क्लास जितनी भी हुई है उसको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद आप, मैं कल पूछूंगी आने के बाद, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या तुमने पढ़ा। एक बार इसको रीड आउट कर लोगे और जो नोट्स दिए उनको पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि क्या है। धीरे धीरे हम एक एक टर्म से एक एक टर्म को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मेरिस्टेमेटिक क्या है, एपिकल क्या है, लैटरल क्या है। इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।